ये खुशाइन बात है कि पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट 2019 मौजूद है। हुकूमत इस पर मौसर अमल दरामद करके 9 लाख से ज़ायद घरेलू मुलाजमीन को तहफ़ फ्राहम कर सकती है। आज के स्टेक होल्डर कंसल्टेशन का मकसद पंजाब घरेलू मुलाजमीन एक्ट 2019 इसकी प्रोग्रेस एंड वे फॉरवर्ड के हवाले से तबादला ख्याल करना था, जिसमें पंजाब से 5 मुख्तलिफ घरेलू मुलाजमीन की यूनियन ने शिरकत की। इस सेशन में हमने ये लोगों को बताया कि अगर बच्चे जो हैं वो घरों में बिठाते हैं तो वो फिर उनको स्कूल के अंदर इनका एडमिशन भी करवाया जाए, ताकि वो बच्चे बिल्कुल ये नहीं कि चाइल्ड लेबरिंग तो हम रोक दें लेकिन वो गलियों में फिर वैसे ही घूमते फिरते रहे। और आज के हवाले से ये डोमेस्टिक वर्कर की जो मीटिंग थी ये ज़बरदस्त रही। इसमें हमने बहुत से ऐसे सोशल सिक्योरिटी गार्ड और डोमेस्टिक वर्कर के जितने भी जवाबत थे वो सारे हमने डिस्कशन किए। उनको आज की इस ट्रेनिंग सेशन के ज़रिए ये आगाह किया गया कि उनके हुकूक क्या हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, हुकूमत को कौन कौन से फ़राइज़ मज़ीद सर अंजाम देने चाहिए, कानून के अंदर कौन सी तब्दीली है और किस तरह मज़ीद बेहतरी आ सकती है। इस हवाले से मुख्तलिफ़ लॉयर्स ने मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग सेशंस, मुख्तलिफ़ जो हमारे लेक्चरर्स थे, मुख्तलिफ़ जो यूनियन मेंबरान थे, उन्होंने इसमें शिरकत की और ओवरऑल सिर्फ यही बताया कि जो घर में काम करने वाली ख़वातीन हैं उनको नौकर ना समझा जाए। और सबसे अहम बात जो बात बयान की गई वो ये कि सबसे जो कम उजरत है वो किसी गैर हुनरमंदाना ख़वातीन के लिए भी अगर हो तो वो 37,000 हो। इस तरह अगर हुनर रखती हैं ख़वातीन तो उनसे उनकी उजरत के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से उनको उनकी उजरत दी जाए। और मज़ीद ये तकाजा किया गया कि गवर्नमेंट को इनके बायलॉज बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मुतलका इदाराजात इसके ऊपर मज़ीद अमल दरामद कराने में बेहतरी ला सकें। हमें नौकर नहीं बल्कि वर्कर समझा जाए और हमारे जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड हैं वो हमारी अपील है कि वो जल्द से जल्द बनवाए जाए। मेरी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि हमें जल्द से जल्द सोशल सिक्योरिटी कार्ड मिले ताकि उनके जो फ़ायदे हैं, हम मेरे बच्चों की उसके अंदर हेल्थ फ्री होगी, बच्चों की तलीम होगी, ताकि हम अपने छोटे बच्चों को स्कूल में डालेंगे, ताकि 15 साल से जो कम बच्चे हैं उनसे काम नहीं करवाएंगे, ताकि चाइल्ड लेबर का खात्मा होए। डोमेस्टिक वर्कर को रजिस्टर करवाया जाए जल्द से जल्द और इस प्रोसीजर को तेज़ किया जाए, क्योंकि इसकी बहुत स्लो है इसका काम। डोमेस्टिक वर्कर को रजिस्टर नहीं किया जा रहा, अगर रजिस्टर नहीं होंगे तो सोशल सिक्योरिटी में किस तरह एंटर होंगे? अगर सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनेगा तो उन्हें तहफ़ उन्हें मरात मिलेंगी, वो अपने बच्चों को फ्री तलीम दिलवा सकते हैं, शादी ग्रांट उसमें शामिल है, डेथ ग्रांट उसमें शामिल है और मुख्तलिफ़ बुढ़ापा पेंशन भी उसमें शामिल है। घरेलू मुलाजमीन की 32,000 रुपये की तनख्वाह है, उस पूरी उजरत अदा की जाए। इसके अलावा जो घरेलू मसाइल है घरेलू खवातीन को वो हल किए जाए, इनके सोशल सिक्योरिटी कार्ड जारी किए जाए, इनके बच्चों की तलीम तरबियत के लिए केयरिंग सेंटर बनाए जाए ताकि वो बच्चे वहाँ पर अपनी सेहत के लिए ठीक रहे और उनकी तलीम तरबियत पर भी तवज्जो दी जाए। इसके अलावा जो काम के दौरान घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद की जाती है उनकी भी रोकथाम की जाए।